श्री शिवाय। नमस्तेभ्यम दोस्तों। दोस्तों, यदि आपकी शादी में बहुत अड़चनें आ रही हैं, आपका रिश्ता पक्का ही नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी द्वारा बताए गए इन 11 उपायों में से कोई भी एक उपाय एक बार अवश्य करके देखिए। भोलेनाथ चाहेंगे तो आपका रिश्ता 3 महीने में ही पक्का हो जाएगा। आप यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो और संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके, फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की ओर डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए। संबंध पक्का हो जाएगा, जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। आज भी प्रमाण है, अगर चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, चंद्रभागा नदी के बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो, तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाता है। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो भी हो जाता। आप लोग पंडरपुर जावें तो जरूर करें। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, एक मट्टी के कलश में चावल भरकर, एक सिक्का रुपया, एक बेलपत्र उस कलश के अंदर रखकर, जिस कन्या जिस वर का विवाह नहीं हो रहा हो उसका हाथ लाल कपड़ा या लाल, जो माता जी को चुंदड़ी उड़ाते हैं ऐसी चुंदड़ी, उस कलश के ऊपर रखकर अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर, जो देवी जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बिना बोले रखकर आ जाता है, उसका विवाह मात्र 3 से 4 महीने के अंदर जम जाता है। समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। तीन माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा, इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर, शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर, शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना, पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलना, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और साथ में गया वो, पर तुम्हें नहीं बोलना है, और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर वो कलश का दान दे दिया जाए महाराज। ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का। बड़े प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे, तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शिव कहते। विवाह शादी करने का समय आया तो 2 मन हो गए, 2 बायोडाटा पड़े हुए हैं, दोनों लड़की अच्छी है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों विद्वान है, दोनों का परिवार अच्छा है, इससे करूं कि उससे करूं, फिर 2 मन। लड़का देखा, 2 मन हो गए, लड़का अच्छा है, जॉब वाला है, सर्विस वाला है, परिवार अच्छा है, इससे करूं या उससे करूं। जब विशेष परिस्थिति में 2 मन होते हैं तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए।
विवाह का निर्णय दो संबंध आए, एक जैसे आए, अच्छे आए, परिवार अच्छा, लड़कियां अच्छी, दोनों की तरफ से यहाँ है, तो फिर निर्णय शंकर जी के पास जाकर बैठ जाओ और शिव जी से कह दो कि मैं अब निर्णय क्या लूं, आपकी मर्जी से ये दोनों बच्चियां श्रेष्ठ है, जहां आप कह दोगे मैं वहां कर लूंगी, यहां से जाऊंगी, मन ऐसा कर देना कि किसका हाँ बोलना है और जिसको हाँ बोलूंगी फिर आपको संभाल लेना है, और कैसे निर्णय भगवान जिसका विवाह नहीं, बेलपत्री का प्रयोग, सात बिंदी लाल चंदन की, जब पीला चंदन लग जाए, सात बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। लड़का या लड़की का विवाह नहीं होता तो स्कंद पुराण कहती है कि तांबुल में जीरा रखकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बहुत समय हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, संबंध नहीं हो रहा है, तो तांबुल के अंदर सौंफ की जगह जीरा रखकर, अगर शिव मंदिर में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी आपको बताइए ना कहाँ होती है, मालूम है आपको, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल, भगवान शंकर के 13 बच्चे थे, कितने बच्चे, 13, उसमें से अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, तो ये जो जल धारा है इसमें जहां पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, बीच में वो अशोक सुंदरी की जगह है, शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की की जगह, भगवान शंकर के पूरे 13 बच्चे इस पूरी जलाधारी के अंदर है, एक एक जगह पर 5 लड़कियां ऊपर के ऊपर, नीचे एक छोटी लड़की, फिर स्कंद, फिर गणेश, ऐसे सभी कन्याओं पर, सभी पुत्रों का, तो यहाँ जो बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, इस जगह पर बीड़े में, पान के बीड़े में जीरा रखकर, अगर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर अशोक सुंदरी की जगह पर रख दिया जाए, 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिस कर, केसर को घोल कर, उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं, और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते, उसका नाम और गोत्र बोल कर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं, उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर, नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष के, और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए, बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा, ये पक्का है, शिव स्मरण करना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। जय श्री महाकाल।